बूथ होता था, होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है बिहार को पांच अव्वल राज्यों में लाना है, इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है। सिवान पहुंचे तेजस्वी यादव और सिवान में सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि पहले वाला समय खत्म हो गया, अब नया दौर है और नए दौर के साथ जो है वो हम लोग नई सोच वाले लोग हैं। पुराना युग खत्म हो गया, पुराना युग खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि पहले एसटीडी बूथ हुआ करता था, लेकिन अब जो है मोबाइल का युग आ गया है। ये बात खुद तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अब नया सोच के साथ नई लड़ाई लड़नी है। सिवान की धरती पर यह मैसेज दिया गया है, ये बड़ी बात है। उन्होंने साफ तौर पर एक कहा जाए कि निशाना एक तरीके से साधा है और सीधा मैसेज है कि जिस प्रकार से जो शहाबुद्दीन की बात हो रही है सिवान में, तो इन तमाम तरह की बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया है पुराना युग खत्म हुआ है और नए युग की शुरुआत हो गई है। हम लोग नए लोग हैं और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने? होता है समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया, और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है बिहार को पांच अव्वल राज्यों में लाना है, इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, आपको उनके बारे में बात नहीं करना। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। तो इसलिए नया बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों का योगदान चाहिए, और हम आप लोगों के बीच आए हैं। लोग कहता है कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बी ए बी, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, और दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, अब पी से हो गया पुअर यानी गरीब, यानी ए टू जेड की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और महागठबंधन हम लोग हैं, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो, सबके प्रति हम लोग जो है सम्मान देने का काम करेंगे। और बेहद खुशी हो रही है जिस प्रकार से इतनी तादाद में महिलाएं हैं, ये यहाँ सारिका अंसारी जी बैठी है, इनके नेतृत्व में काफी लोग जो है महिलाओं आई हैं। हम इनको भी सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है, एक रहना है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया है, हम लोगों ने भविष्य को सुनहरा करने का काम किया है, 5 लाख नौकरी दे करके। लेकिन भाजपा वाले लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, जहर बोने का काम करते हैं,
आज पूरे देश में बड़ा से बड़ा नेता मोदी जी के आगे नाक रगड़ रहा है, झुक गया है, लेकिन लालू जी को कितना भी सताया गया हो, तेजस्वी पर कितना भी मुकदमा किया गया हो, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है।